कहते हैं इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पूर्णिमा की रात कभी नहीं जाना चाहिए, वो है पुणे का 300 साल पुराना शनिवार वाड़ा। तो ये है हमारी सवारी। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बाहर, पता नहीं पापा हमें कहाँ ले जाए। आज हम आ चुके हैं शनिवार वाड़ा, जो पुणे की एक ऐतिहासिक वास्तु है। बच्चा एवड़ी देख, टिल्लू टिल्लू पिल्लू। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आए हैं शनिवार वाड़ा। पुणे का जो फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है वो है शनिवार वाड़ा। तो आज भी हम लोग यहाँ पे आए, जो लोगों की माने दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये 13 मंजिला फोर्ट 1730 में खुद मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। ये है शनिवार वाड़ा का प्रवेश द्वार दिल्ली दरवाजा, और जस्ट उसके ऊपर ही है नगर खाना। तो फ्रेंड्स हम लाइन में लग गए हैं, तो फ्रेंड्स हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर जाने के लिए लाइन मतलब टिकट लेना पड़ता है, तो अभी हम लोग लाइन में लगे हैं, फिर यहाँ से टिकट लेके अंदर जाएंगे। शत्रुओं के हाथी टक्कर मारकर इस दरवाजे को तोड़ ना सके, इसलिए जो है ये 72 नुकीले कीले इस दरवाजे पर लगाई गई है। तो यहाँ के विजिटिंग चार्जेस जो है इंडियन के लिए 25 रुपीज है, और जो फॉरेनर यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं उनके लिए 300 रुपीज है। कोई वीडियो वगैरह बनाता है उनके लिए 25 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आज संडे है इसलिए बहुत ज्यादा रश है। सामने से नगर खाना कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो आजू बाजू में है यहाँ पे पहले पेशवा बैठा करते थे, यहाँ पे उनकी गद्दी थी। पेशवाओं की आन बान शान रहा ये 7 मंजिला शनिवार वाड़ा। सन 1828 की भीषण आग में जलकर राख हो गया, अब यहाँ पे नींव मात्र ही बची हुई है। इसे मराठी में कारंजी कहा जाता है। ये एक फाउंटेन टाइप का होता है। देखो ये यहाँ से घुस रहा है, वो वहाँ से चढ़ रहे ऊपर। तो यहाँ पे जो है पूरी हिस्ट्री लिखी है शनिवार वाड़ा की। तो ये पूरा हर एक लैंग्वेज में, ये इंग्लिश में लिखा है, ये मराठी में हिंदी में ऐसे लिखा। खाने का दरवाजा मेरे सामने है और अब हम वही जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं पहले बुर्ज में। इन बुर्ज का इस्तेमाल दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जाता था। यहाँ पे जो खिड़की जैसा है यहाँ पे तोपें रखी जाती थी, ये छिद्रों में बंदूकें रखी जाती थी, और यहाँ से पत्थर फेंके जाते थे दुश्मनों पर। नगर खाना जैसे का तैसा ही है, और ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। इसका इस्तेमाल जो है, अगर कोई भी खुशी होती थी तो यहाँ पे नगाड़े बजाए जाते थे और सेलिब्रेशन किया जाता था। यहाँ से पूरा शनिवार वाड़ा दिखता है। नीचे 7 मंजिला इमारत थी जो जलकर राख हो गई उस अग्नि में, लेकिन यहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई, इसलिए जो है नगर खाना बच गया, और नीचे का पूरा 7 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई, और यहाँ पे जो है बस नींव ही बची है। नगर खाना से निकलकर अब हम किले की तटबंदी पर चलते हैं। ये झरोके दुश्मन की ओर बंदूक तानने के लिए बनाए गए थे। किले पर कुल मिलाकर 9 बुर्ज और 5 दरवाजे थे, उन्हीं में से एक बुर्ज है ये। तट पर जाने के लिए 9 जगह से सीढ़ियां हैं।
देखो वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, मस्त पोज कर रहे शकुनी। जब हम लोग के पास कैमरा आ जाएंगे तब हम लोग यहाँ पे आएंगे फोटो शूट के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने शुरुआत की थी उस साइड से, अभी हम लोग पूरा घूम के आए हैं, मतलब पूरा घूम के जो है हम लोग इस साइड से आए हैं। अभी हम लोग यहाँ से उतरकर हम ठीक प्रवेश द्वार के सामने आ गए हैं। मम्मम जी मम्मू पानी को देख के कर रहा हूँ। वास्तु के मध्य में स्थित इसी खूबसूरत फव्वारे के इर्द गिर्द शाही दावतें होती थी। ये है गणपति रंग महल, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नाटक डांस सब यहाँ पे ही किया जाता था। इस किले में टोटल 5 दरवाजे हैं। पहला जो है दिल्ली दरवाजा, सेकंड जो है मस्तानी दरवाजा, थर्ड जो है गणेश दरवाजा, फोर्थ जो है खिड़की दरवाजा, और जो पांचवा है जिसका इतिहास बहुत ही ज्यादा रोचक है वो है नारायण दरवाजा, उसे जामड़ा दरवाजा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नारायण दरवाजे की ओर। यहीं पर 16 साल के नारायण राव पेशवा की हत्या की गई थी उन्हीं के चाचा ने। कहते हैं नारायण राव पेशवा की आवाज काका मला वाचवा काका मला वाचवा आज भी इस किले में गूंजती रहती है। इसी दरवाजे से नारायण राव पेशवा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर ले जाया गया था, इसलिए इस पोर्ट को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए अनप्लान्ड ब्लॉग था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रेडी हो चुके हम लोग नहीं जा रहे कहीं पे। चलो घर में चलो।